नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार। सीएम योगी के निर्देश पर जिलेवार माफिया गैंगस्टर सूचीबद्ध। मार्च 2022 से मई 2022 तक 788 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को किया गया चिन्हित। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए की जा रही है कड़ी कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। नौ मंत्रालयों की 13 योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए जन समर्थ पोर्टल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, जनता को जन समर्थ पोर्टल से मिलेगा लोन, बैंक का नहीं लगाना होगा चक्कर। प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से घरौनी सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, जुलाई से कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों की ली जाएगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 75% हाजिरी देने वाले छात्र को ही दी जाएगी छात्रवृत्ति। शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कहा, 10 जून को एक वृहद गरीब कल्याण मेला का किया जाएगा आयोजन। प्रभारी मंत्री सहित अन्य लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की 8 साल की भाजपा सरकार है सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर चलेंगे सभी को साथ लेकर। कलेक्ट्रेट के 4 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई समारोह का उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में किया गया आयोजन। जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए चारों कर्मचारियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर दी विदाई। और 8 जून से 10 जून तक होगा मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका करेंगे शिरकत। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मानकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडे चंद के पुत्र अरुण चंद ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार 2.0 में सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में जिलेवार माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार कर माफिया सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को चिन्हित किया गया है। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माफियाओं एवं गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 6,62,78,05,123 रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माफियाओं एवं गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है,
जो कानून व्यवस्था एवं व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई है संपत्तियों की जब्ती करण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से कुख्यात माफिया के नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन द्वारा 50 माफियाओं एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है जो निरंतर अपराध में लिप्त होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी 62 माफियाओं एवं उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए कुल 6,61,78,05,123 रुपए के अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक कार्रवाई 2,32,80,29,399 रुपए की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 से मार्च 2022 तक कुल 20,95,64,53,907 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 62 माफियाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिन्हित किया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया, इस तरह 359 माफियाओं को चिन्हित किया गया जिससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे इनके आर्थिक एवं आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज व जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसका परीक्षण एवं दिशा निर्देश प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून एवं व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं और गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार सराहनीय तरीके से की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अद्यतन कर तैयारी की गई है जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। मार्च 2022 से कुख्यात अपराधियों की नवीन स्तर से समीक्षा करते हुए शासन के द्वारा 50 माफियाओं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 माफियाओं का विशेष रूप से चिन्हीकरण किया गया है जो निरंतर अपराध में लिप्त होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी 62 माफियाओं और उनके गैंग के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है। मार्च 2022 से मई 2022 तक कुल 788 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 6,61,78,05,123 रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसमें सर्वाधिक 2,32,80,29,399 रुपए की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण मेरठ जोन द्वारा किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मार्च 2017 से मार्च 2022 तक कुल 20,95,64,53,907 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जा चुकी है। उपरोक्त 62 माफियाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफियाओं का वर्गीकरण करके चिन्हित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया,
168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया तथा अन्य प्रकार के 359 माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है, जिससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे इनके आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज और जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसका पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। हम इस पूरी माफियाओं के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने के लिए कृत संकल्प हैं, और शासन की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से शिक्षा ऋण सहित भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 13 सरकारी ऋण योजनाएं एक जगह सर्वसुलभ बनाने हेतु जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पोर्टल से सभी सरकारी एवं निजी बैंकों को जोड़ा गया है, ताकि ग्राहकों को जिस बैंक से कम ब्याज पर आसानी से ऋण मिले वह वहां से ऋण लेने हेतु इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन सीधे संबंधित बैंकों तक पहुंच जाएगा तथा बैंकों द्वारा एक आसान ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के उपरांत राशि सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे आम जनता तक आसानी से पहुँचने के लिए विशेष सक्रियता दिखाएं तथा जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने हेतु कार्य करें। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का नया स्मारक सिक्का जारी करते हुए कहा कि ये सिक्के नई पीढ़ी को आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्मरण कराएंगे। इस अवसर पर एनएक्ससी भवन के सभागार में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, SBI के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, बड़ौदा यूपी बैंक के अध्यक्ष देविंदर पाल ग्रोवर, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव जैन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक LB झा, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख सर्वेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्वर्ग और धरती पर मानव सेवा से बेहतर कर्म खोजना कठिन है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशवासियों की सेवा का उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय सुशासन और लोक कल्याण की भावना को लेकर इन सिद्धांतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, प्राथमिक नीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाए जो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाए। बजट घोषणा की तारीख को अग्रिम रूप से 1 महीने से घटाया। रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया और जरूरी बदलाव लाए गए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी कमजोर की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को जन धन योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों के हाथ जोड़कर DBT के जरिए करो। Thank you.
व्यापक माहौल बना। समय के साथ एक दृढ़ संकल्प लिया गया देश परिवर्तन का, आर्थिक समृद्धि हेतु वित्तीय समावेश का मूल आधार, जिसका जन धन योजना ने जन जन का खाता खुलवाया है। बीमा योजनाओं ने जन जीवन को सुरक्षित बनाया। And making sure that every scheme which has been designed is standing by the people, helping them to come out of the. मतलब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, लोन सैंक्शन होने पर राशि भी सीधे खाते में आ जाएगी। इस उद्योग की अत्याधुनिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सही समय पर सही निर्णय करना है। अपनी एक नींव सी बनाई है, एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा है। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ये आइकनिक वीक ऐसे हर साथी को, अतीत के ऐसे हर प्रयास को जीवन करने का अवसर है। आजादी के अमृत काल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित होकर अपने प्रयासों को और बेहतर कर सकते हैं। ये दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया जाएगा। इस सफर से परिचित आने वाले डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हो और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेगा। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आध्यात्मिक अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामना करना और नए संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का एक काम। आजादी के लंबे संघर्ष में जितने भी हिस्सा उसने आंदोलन में अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटरनेशनल आजादी के अलग को जवाब जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया।
किसी कौन से शरीर में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत करने का प्रयास इससे आज जब आया हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी उन्होंने देश के विकास को गति दी, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया, पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई। आज बहुत गौरवशाली क्षण है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ही देश की सारी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी करने का और नागरिकों का हक पहुंचाने का पारदर्शी तरीके से और सत्य प्रसिद्ध विश्वसनीयता के तरीके से अपने प्रारंभिक दिनों से ही काम किया था, जब उन्होंने जनधन योजना प्रारंभ की थी और 35 करोड़ ऐसे लोग जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं थी, बैंकों को उनके घर तक पहुंचा दिया था। आज मैं कहूं तो पिछले 8 सालों में जन बेहतरी और जन सरोकार से संबद्ध जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन योजनाओं की पहुंच हमारे घर में बैठकर हम अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकें, सभी योजनाओं का अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार लाभ ले सकें, हमें इवन बैंक के कार्यालय और कचहरियों में दौड़ना न पड़े। हम जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना विकास करना चाहते हैं और स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े उद्योग तक जिस भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने आज हमको जन समर्थ योजना के पोर्टल के माध्यम से एक ऐसा मंच उपलब्ध करा दिया है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी खूबी है कि देश में जितनी भी अर्थ संस्थाएँ, बैंक इत्यादि हैं, उन 13 योजनाओं से संबद्ध सभी बैंकों में जिस प्रकार की सुविधा मिलती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको सारे बैंक मिल जाएंगे, सबकी सुविधाएं मिल जाएंगी। हमें यह अधिकार होगा कि हम जिस भी बैंक की योजना का लाभ ले सकें, लेना चाहें, हम उसकी पहुंच के भीतर होंगे और वो संस्था हमारे पहुंच के भीतर होगी। तो ये एक बहुत अभिनव प्रयास है आर्थिक विकास की दृष्टि से और मानव संसाधन की वृद्धि की दृष्टि से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अपने नागरिकों की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आभारी हूँ अपने गोरखपुर के स्थानीय सभी बैंक प्रबंधकों के, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थित होने का अवसर दिया। देखिए, कभी किसी ज़माने में चीज़ों के लेन देन और सुविधाओं के लेन देन में मानकीकरण नहीं होता था, वस्तुएँ आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर ली जाती थी, जिसको हम बार्टर ट्रेड कहते थे। धीमे धीमे दौर आया जब इन सिक्कों का प्रचलन होने लगा। ये सिक्के हमारे सामर्थ्य के भी और हमारी क्षमता के भी प्रतीक होते हैं। ये एक सच है, व्यवहारिक सच्चाई है कि आज के युग में सिक्के भारी होते हैं, रुपए हल्के होते हैं, इसलिए रखने आसान होते हैं। लेकिन अस्थाई संपत्ति जो लोग आज भी अपने घरों में और गुल्लकों में रखते हैं, वो सिक्के ही होते हैं। 13 भाषाओं में ये सिक्के बनाए गए हैं, 1 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक, 1, 2, 5, 10, 20 के सिक्के अब मानकीकृत होकर के उपलब्ध होंगे। बीच में एक सिक्कों के
बीच में एक सिक्कों की कमी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं कि कोई भी बैंक सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है। मुझे याद है मैंने एक बार भी स्वयं भी रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी थी इस संदर्भ में। और सबसे बड़ी खूबी है कि दिव्यांग जन के लिए भी इस जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए भी सिक्कों में प्राविधान किए गए हैं और दृष्टिबाधिता उनके सिक्के के प्रयोग में किसी प्रकार का बाधक नहीं बनेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक जन समर्थ ऐप जारी किया है जो समझिए वित्तीय इनोवेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 9 मंत्रालयों की 13 योजनाएं एक साथ आएंगी और उसका लाभ उठा सकेंगे, विशेष करके युवा जिनको लोन इत्यादि में परेशानी होती है वह इस ऐप पर जा कर के करेंगे। और बैंक को भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए वह स्वयं आगे आएँ। यहाँ बैंक के सभी अधिकारी भी हैं। मैं समझता हूँ कि यह इस योजना से इतना लाभ होगा कि बड़े सरलता के सभी लोग अपना लोन भी ले सकेंगे, जानकारी भी कर सकेंगे, अपने आगे भी बढ़ सकेंगे। इसमें व्यापार से लेकर के कृषि अन्य विभाग जो लोग हैं वो भी आकर के इसका लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का ड्रोन सर्वे जल्द से जल्द कराया जाए क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं मंडलायुक्त सभागार में उपस्थित मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी ने कहा कि हमारे जिले को ड्रोन 17 अप्रैल को मिला है और एक ड्रोन जो कि मिला था वह सहजनवा तहसील को दिया गया था जिसका कार्य पूरा हो गया है। अब गोरखपुर में 6 ड्रोन हैं। सभी तहसीलों से ड्रोन से घरौनी का कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CRO सुशील कुमार गौड़, अपर जिला अधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और ड्रोन टीम्स यूपी से इसीलिए नहीं अभी तक विड्रॉ करी गई है ओवर एवरेज के बाद भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपने शुरू में काम किया था उसको एकदम आप कंप्लीट करें, तो ये अपेक्षा है। इन फिगर्स में अगर कोई गलती है तो उसको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई इश्यू के बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए या कोई आपका सुझाव है तो वो बताइए। नहीं सर, नहीं। अच्छा, नाउ इट इज बेसिकली फाइल बचा हुआ है सर, बीच में बैंक जो है सर ज्यादा से जमा नहीं हो पाया था कुछ गलती के कारण उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है। और ये सर एक सप्ताह का हमारा शेड्यूल है, एक सप्ताह में सर प्रारूप क्योंकि आपका मात्र 7% है ये
चाहते हैं मंडलायुक्त गोरखपुर सर, सर हमारे लिए सर ड्रोन बहुत देर में मिला है सर, 7 अप्रैल को मिला है सर। उसके बाद सर जो एक ड्रोन जो मिला था सर सहजनवा तहसील में सर, वो तो कंप्लीट हो गया सर। अभी हमारे पास 6 है सर जो गोरखपुर जिले में सर, वो उसका तो काम चल रही है सर। तो अभी जस्ट जुलाई तक सर वी विल कंप्लीट द थिंग सर, अगस्त के पहले हम कंप्लीट कर लेंगे सर। बेटा इस स्कीम का रिव्यू कर लिया करो। यस सर। उससे ये स्कीम जो है काफी अच्छा टेक ऑफ कर जाएगी एंड वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दी विल फुलफिल द टारगेट्स आल्सो। ठीक है, श्योर। नेक्स्ट कौन सा सर? एक एक करके लेते हैं। ओके, अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने प्रेक्षागृह के सभागार में छात्रवृत्ति योजना के संबंध में विभिन्न विद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कार्यशाला का आयोजन सभी शिक्षण संस्थाओं के साथ किया गया है, जिसमें जनपद के सभी डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का शासन द्वारा 2 समय निर्धारित किया गया है, उन सब से सभी लोगों को अवगत कराया गया, सभी लोगों को बताया गया कि जो समय दिया गया है उस निर्देश का पालन करें, जिससे कि जो पात्र बच्चे हैं वह छात्रवृत्ति से वंचित ना रह सकें। उन्होंने कहा विद्यालयों को छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में बताया गया। इसके अलावा शासन द्वारा एक नया प्रावधान किया गया है कि छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, जो कक्षा 10 से लेकर ऊपर की कक्षाओं में अनिवार्य किया गया है। अब 75% हाजिरी के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य विद्यालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, तो ये 13 नहीं है जब तक आप अटेंडेंस और मार्क्स नहीं फिल करेंगे। जो इस वर्ष का शासन है 2 मई को जारी हुआ है, इसमें डिटेल किस डेट तक क्या कार्रवाई करनी है डिटेल है, ये उसी पोर्टल पर स्कॉलरशिप वाले पोर्टल दूसरा था उनको मिली जाएगी। फिर हम लोग एक एड्रेस शीट सेपरेट आई है, उसमें पूछ देगा अपना जो भी संस्थान का व्हाट्सएप नंबर हो वो रहेगा, उसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी डाटाबेस अपडेशन का काम चल रहा है, बच्चे जो अप्लाई वितरण दिवस होगा उसमें दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट उसके बाद से 2 अक्टूबर को, फिर 26 जनवरी को और लास्ट में फिर 31 मार्च तक हो जितने रिमेनिंग रहेंगे। ये पूरी डिटेल एक बार अपने यहाँ सिस्टम पर सेव भी कर लेंगे और अपने यहाँ निकाल के रखेंगे ताकि ये टाइमलाइन आपको पता होते रहे। नेक्स्ट स्लाइड आगे करो। ये 2 मई का शासनादेश है, इसमें हर स्टेप स्टेप की जानकारी दी हुई है। स्कॉलरशिप का पोर्टल है, यह पोर्टल बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए, सोशल सेक्टर के जो अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वो भी यही साइट यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट वगैरह अपना अपलोड है इसी URL पे सबको काम करना होता है। यदि इस साइट में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कई बार आता है सर नहीं चल रही है, तो सबके लिए प्रॉब्लम होती है। यदि आपके लिए हो रही है तो मुझे भी होगी, मैं भी नहीं लॉगिन कर पाऊंगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, डेट जो शासन देता है अलग अलग चरण का देता है कि एक चरण में इंस्टीट्यूट को काम करना है तो इंस्टीट्यूट के लिए ही ओपन रहे, हम लोग के लिए लिमिटेड एक्सेस रहता है। तो बताया गया कि 3-3, 4-4 आपके सर्वर काम करेंगे, अच्छी बात है, आपकी समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक बात को आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे हमारे पिछले साल के थे, यानी जो 10th में आ गए हैं और 9th के हैं, उनका बायो डाटा जो आपके पास है उसको अभी से फीड कराना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब दोबारा जब साइट खुलेगी, मतलब बच्चों की अपने छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए, वो 7 जुलाई से ना ग्यारह जुलाई से शुरू होगी, उस 11 जुलाई का हमको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारे 9th के बच्चों का पूरा बायोडाटा हमारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है जो आगे जा रहे हैं भाई। 10th और 12th के बच्चे, 12th के तो बाद में जाएंगे, मिस्ट्री भी जाएंगे, कि जो भी डाटा है उसको हम समय पे, यानी कि पूरे जून में पूरा कर लें। साथ में ही जो
अब मेन चीज जो शुरू की गई है हम लोगों के लिए वो है आपकी बायोमेट्रिक मशीन, जिसके द्वारा आपको बच्चों की बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उनकी अटेंडेंस को वेरीफाई कराना है। ये एक बहुत टफ काम हम लोगों के लिए है, जहाँ छात्र संख्या 8,000-9,000 है उनके लिए कम से कम मैं समझता हूँ कि 15-20 मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये भी थोड़ा दुरू काम है, मुश्किल काम है, लेकिन मैं विश्वास, मुझे पूरी तरह विश्वास है, क्योंकि कम अल्प समय में 15 दिन में हमने माध्यमिक विद्यालयों में देखा कि जितना अच्छा आपने काम किया है वो वास्तव में तारीफ के लायक है कि 15 दिन के अंदर आप लोगों ने 80% और 90% हमारे जो ईमेल आईडी बच्चों की वेब पेज है, वेबसाइट है और उनकी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आपने लगा ली है। इसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद दूंगा। और ये समाज कल्याण विभाग का जो शुरू किया गया है, क्योंकि हमको इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारी अटेंडेंस 75% बच्चों की होनी चाहिए, वो 75% अटेंडेंस हो जाए, क्योंकि जुलाई के महीने में जब स्कूल खुलेगा तो आपने बताया अभी समाज कल्याण विभाग ने कि एक लिंक दिया जाएगा, तो महीने के लास्ट में उस लिंक पर आपको बच्चों की अटेंडेंस, क्योंकि सब डिजिटल है उसमें आप हेरा फेरी कर ही नहीं सकते हैं, उसको ऑनलाइन करना। और अगर 75% से कम बच्चों का अटेंडेंस मतलब हो गई तो छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएगा, उसमें आपके वो बच्चों के अभिभावक भी आपको परेशान करेंगे, बच्चे ही परेशान होगा। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को अलर्ट कर दिया जाए कि बच्चों तुम्हारी जो अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक से होगी, और अगर 75% से अगर अटेंडेंस कम होगी ना तो आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे और ना आप आगे कोई जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो स्कीम से फ़ायदा होता है फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से, सभी मेरे साथी हैं जो प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे टेक्निकल से हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, कि जो भी आपको PPT में दिखाया गया है, जो हमारे आशुतोष जी ने आपको बताया है, मेरे सीनियर साहब ने बताया है, उसका पूरा पालन करेंगे और समय से बच्चों का जो डाटा है फीड करेंगे और उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। धन्यवाद। आशुतोष पांडे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर। आज छात्रवृत्ति के संबंध में एक बृहद कार्यशाला का आयोजन जनपद गोरखपुर के सभी शिक्षण संस्थानों के साथ किया गया। इसमें जनपद के सभी डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। छात्रवृत्ति योजना के जो दिशा निर्देश हैं, जो टाइमलाइन शासन द्वारा निर्धारित की गई है, उस सबसे सभी को अवगत कराया गया और सभी से यह अपेक्षा की गई कि जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन का अनुसरण करें, ताकि जो पात्र बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रह सकें। सर, क्या क्या जानकारी दी इस संबंध में? जो पहले से जो चली आ रही है पोर्टल छात्रवृत्ति का जो डायरेक्शन है, उसके अलावा जो इस वर्ष एक नया प्रावधान किया गया बायोमेट्रिक उपस्थिति, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बायोमेट्रिक उपस्थिति अब दसमोत्तर कक्षाओं से ऊपर के जो क्लासेस हैं उसमें अनिवार्य किया गया है। 75% की उपस्थिति के बाद ही छात्रवृत्ति के लिए बच्चा एलिजिबल होता है, तो वह उपस्थिति अब मैनुअल की जगह पर शासन का निर्देश हुआ है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ उसको कंसिडर किया जाए। यानी बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ बायोमेट्रिक से उपस्थिति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा और वह उपस्थिति उसकी जब 75% होगी तभी उसको छात्रवृत्ति अनुमन्य होगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार। सीएम योगी के निर्देश पर जिलेवार माफिया गैंगस्टर सूचीबद्ध। मार्च 2022 से मई 2022 तक 788 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को किया गया चिन्हित। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए की जा रही है कड़ी कार्रवाई। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। नौ मंत्रालयों की 13 योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए जन समर्थ पोर्टल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, जनता को जन समर्थ पोर्टल से मिलेगा लोन, बैंक का नहीं लगाना होगा चक्कर।
प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से घरौनी सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, जुलाई से कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों की ली जाएगी बायोमेट्रिक हाजिरी, 75% हाजिरी देने वाले छात्र को ही दी जाएगी छात्रवृत्ति। शासन के द्वारा चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कहा, 10 जून को एक वृहद गरीब कल्याण मेला का किया जाएगा आयोजन, प्रभारी मंत्री सहित अन्य लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की 8 साल की भाजपा सरकार है सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर चलेंगे सभी को साथ लेकर। कलेक्ट्रेट के 4 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई समारोह का उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में किया गया आयोजन। जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए चारों कर्मचारियों को अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर दी विदाई। और 8 जून से 10 जून तक होगा मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका करेंगे शिरकत। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडे चंद के पुत्र अरुण चंद ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 10 जून को जनपद में गरीब कल्याण मेला आयोजित करने का शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने की व वापस ले जाने की वाहन की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिसकी समीक्षा प्रभारी मंत्री जल शक्ति मंत्री की टीम समीक्षा के लिए जनपद में आएंगे, जिसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार योजना व प्रदेश सरकार की योजना है उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कितने बस चाहिए? 60 बस चाहिए। हेलो, ये फायर एंड ऑर्डर तुम्हारे पास में करनी है कितनी है ना? कौन सी स्कीम में कितनी है और सेकेंड कितने कितने में कंटीन की अमाउंट अभी उपलब्ध है हमारे लिए? SBM, नरेगा, इंदिरा आवास, उनका योजना था कुछ भी कर, ये निकाल के अभी फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए। कार्यक्रम में कार्यक्रमों का पेमेंट नहीं होगा, यही चलेगा। ठीक है, पिछली बार का तो वो पीड़ी ने रुला दिया था, कितना दिन? 6 महीने रुला दिया पेमेंट करने में, जबकि सब कुछ करा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, तुरंत पेमेंट हो जाना चाहिए। और नीचे क्या बांटेंगे उनको स्वीकृति पत्र? जो पंक्ति प्रभारी बना दीजिए, 3 पंक्तियों पे एक एडियो पंचायत या एक एडियो समाज कल्याण जो भी लगाना है, 3 पंक्तियों पे अमरीश से बात करके वो गैलरीज बनाइए, किस ब्लॉक का कौन होगा, ब्रह्मपुर का ड्रम लगा दें, और जो भी स्वीकृति पत्र या जो भी है आप देंगे। और अगर आवास के अलावा की उनको स्वीकृति पत्र आप मानेंगे, आप इसकी मीटिंग रोज ले लीजिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 3000 मतलब 3000 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए पार्टी के जो लोग आएंगे उनको हमने बोला है 3000 उनको, 3000 उनको, तो 3000 उनकी, तो अगर हम ज़्यादा अभी बस लगा दोगे तो हो ही जाएगा, अगर आप कहाँ रहेंगे, रोड करेंगे धूप में, तो ये तो चिंता है। अगर कम से कम पंडाल में बैठेंगे तो ओके, 3000 लेगा देखेगा तो भरा हुआ। आज 10 तारीख को गरीब कल्याण मेला का आयोजन करने के लिए शासन स्तर से निर्देश मिला है, उसके लिए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक और उनके वापस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, वो विभिन्न योजनाओं में आच्छादन और आच्छादन के पत्रण पारदर्शितापूर्वक उनको वितरण कार्यक्रम, उसके लिए सभी खंड विकास अधिकारी, ADO पंचायतगण, सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया था। माइक्रो प्लान डिटेल में बनाएगा, सुगम व्यवस्था के साथ सभी हमारे लाभार्थियों को लाया जा सके, पारदर्शितापूर्वक उनको शासन की योजनाओं में आच्छादन और वितरण करा जा सके, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे समीक्षा के लिए 10 तारीख को और 11 तारीख को आएगी, उसके लिए हम लोग लगातार अभी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, अवस्थान संबंधी योजना है, उसके संबंध में उनके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा, ये अभी लोकेशन तय किया जाएगा। सोमवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ अपने कुशलता के साथ 8 साल की सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित किया और निरंतर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के साथ मोदी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म, राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मुख्य तौर पर विकसित और सांस्कृतिक उत्थान से लेकर के संपूर्ण भारत का उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
उन्होंने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित होने पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार करके अपना निर्णय लिया है और हम सभी को किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार चल रहा है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह करेगी। इस अवसर पर देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मिश्रा, शशिकांत सिंह, शिवम पांडे, चंदन आर्य सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मैंने तो बात किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुशासन पर बात किया है, विकास के कार्यों पर बात किया है और एक एक योजनाओं को आज लोगों के समक्ष रखने का काम किया है। शुरुआत उज्ज्वला योजना से हुआ। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह सरकार चल रही है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं और इन 8 वर्षों में जनता ने उनको जो चुन करके भेजा था तो पूरी तौर पर जनहित के कार्यों को किया है और उसी जनहित के कार्यों को बताने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना का हो, सौभाग्य योजना का हो, जनधन खाते का हो, किसान सम्मान निधि हो, पूर्वोत्तर को पूरी तौर पर विकसित करने का काम हो, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरी तौर पर विकसित करने का बात हो, इन सब पर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक उत्थान से लेकर के और संपूर्ण भारत के उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने शासनकाल में कोरोना के भीषण महामारी में भी जहां उन्होंने 3 प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज दे करके लोगों के जीवन के रक्षा करने का काम किया, न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों को भी भारत की बनी हुई वैक्सीन को दे करके भारत की सहृदयता को सिद्ध करने का काम किया, जिसका परिणाम आज विश्व के देशों के द्वारा भी जब किसी प्रकार के संकट की बात आती है, समाधान की बात आती है, तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को विश्व के राष्ट्र नायकों के द्वारा ढूंढा जाता है। मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए का जिस प्रकार से किसानों को किसान निधि में देने का काम किया और आज बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जन समर्थ ऐप को लॉन्च किया है, भारत सरकार के
9 विभागों की 13 योजनाओं को एक साथ केवल एक बटन दबा कर करके उसका लाभ लिया जा सकता है, बैंकों से ऋण लिया जा सकता है। इस सभी बातों पर विचार करने के बाद जो है हम लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री की इस नीतियों को, प्रधानमंत्री के इस कार्य को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर के आज यह आपसे रूबरू है। मैं समझता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, तो आज हम ये मान करके चलते हैं कि 2006 से लेकर के 14 तक जहां एकाध लाख की स्थिति में था, उसको प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में 56 लाख से अधिक आवास को लेकर दे कर करके और फिर दूसरे कार्यकाल के स्थिति में ला करके उसको करोड़ों में करके आज प्रधानमंत्री आवास में लोग रह रहे हैं, वो शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो। ऐसे ऐसे हर प्रकार से जो योजनाएं हैं उस योजनाओं की जानकारी देने के लिए ही हमने किया है कि हम लोगों ने एक हार्ड कापी भी रखा है, वो हार्ड कापी भी निश्चित ही आप सभी लोगों को वितरित की जाएगी, जिसे एक एक योजनाओं का पूरी तौर पर वर्गीकृत कर करके देंगे। देखिए, इस संदर्भ में भी हाल ही में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा जम्मू कश्मीर के LG श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने दोनों लोगों ने कानून व्यवस्था पर पूरा विचार किया है और कश्मीर के पंडित जो इधर उधर जाने की स्थिति में आ रहे हैं उन सभी लोगों को व्यवस्थित ढंग से करने का काम किया है और ये तय किया है कि नहीं, हम उसी स्थान पर अब उनको पूरी तौर पर सुरक्षा देंगे और सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व निश्चित ही विचार कर करके अपना निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि दोनों बातें होनी चाहिए। किसी को भी उकसाने का काम नहीं होना चाहिए और चैनल्स पर जिस प्रकार से उकसाने की बात हो जाती है, धर्म सभी का बराबर है और उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस बात को कहा है, तो इसी आधार पर कहा है कि समग्र भारत को हम लेकर के चलेंगे। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार कर रहा, विचार करके जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट से 4 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चारों कर्मचारियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर विदाई दिया। उन्होंने कोरोना काल में सेवानिवृत्त हुए 35 कर्मचारियों को सम्मान भी दिया। आपको बता दें कि विदाई होने वालों में प्रमुख रूप से बजरंग सहाय, प्रशासनिक अधिकारी रवि श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक अश्वनी पांडे, वरिष्ठ सहायक कदर रजा रिजवी, कनिष्ठ लिपिक के साथ प्रांतीय ऑडिटर नियुक्त होने पर विनय सिंह का कर्मचारी संघ भवन में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि गोरखपुर के इकलौते कर्मचारी हैं जो गोरखपुर कलेक्ट्रेट का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। हमारे कर्मचारी अपने निष्ठा के साथ अपने पटल का कार्य बिना किसी भेदभाव के समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का कार्य कर हमारा मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता, CRO सिल कुमार गौर, कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, मंत्री विश्वेश्वर शुक्ला, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री संतोष निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा,
सीख लेने में किसी भी प्रकार से अपने को क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे लिए अनुकरणीय हैं और उनके अनुभव हमारे लिए सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद जय सिंह। जाते ही काम कर रहे थे लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे टीम के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो तेज धावक हैं और उनके नेतृत्व चार हमारे साथीगढ़ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी चारों सदस्यों को बधाई देता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना सेवा कार्य पूरा करके प्रस्ताव प्राप्त किया अच्छी पहल जो आप लोगों ने की है जैसे क्रिकेट कर्मचारी इस बात की भाई मतलब करोड़ पुराने कर्मचारी जो हमारे रिटायर हो चुके हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो एक बार रिटायर हो जाता है तो उसे लोग भूल जाते हैं लेकिन आप लोगों की ये अच्छी पहल है कि हम उसको भूले नहीं है उनको भी आप याद रखे हैं उनको भी बुलाया आपने। अब जो हमारे चार साथी रिटायर हुए हैं उनका पढ़ाई समारोह थोड़ा विलम्ब से हो पाया क्योंकि बीच में कई चुनाव के विस्तार चुनाव के कारण तो आज 6 जून को हम लोग फैसला अक्सर ऐसा होता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर जिलाधिकारी महोदय आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे सेवा निवृत्त हुए सभी चारों साथीगण कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित सभी परिवार के हमारे साथीगण आज सर्वप्रथम मैं हमारे चार साथी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको तहे दिल से पूरे परिवार की ओर से जनपद हो गए उनकी सेवा के लिए उनके श्रद्धा के लिए कठोरता के लिए और इतने लंबे अवधि तक जो सबका साथ निभाते हुए कलेक्ट्रेट के जो व्यवस्था है एक स्तंभ के रूप में हम हमारे ऊपर लोगों का विश्वास रहता है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए अभिनंदन एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कलेक्ट्रेट परिवार से चार हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी परिवार ने कामना की और आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के एक भवन का उद्घाटन भी हुआ और सभी लोगों ने जैसे इस तरह के आयोजन लगातार चलते आ रहे हैं कोशिश यही है कि सभी एक परिवार के रूप में अच्छी सेवाएँ गोरखपुर के निवासियों सम्मानित नागरिकों को दें। जो भी हमारे विभिन्न कार्य हैं उन सबको समयबद्ध रूप से पारदर्शितापूर्वक चलाने के लिए एक प्रक्रिया है। पूरे कलेक्ट्रेट टीम ने संकल्पित होते हुए ठान लिया है कि हम एक उत्तर प्रदेश के बेहतरीन सबसे बेहतरीन कलेक्ट्रेट के रूप में उभर के आने के लिए पूरा प्रयास करें। सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मार्कंडेय चंद स्मारक यूनेक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 8 जून से 10 जून तक होगा जिसमें 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। धर्मपुर स्थित लैब इन बैडमिंटन एकेडमी में इस प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को 1,00,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 8 जून को शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा किया जाएगा और 10 जून को प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण सदस्य विधान परिषद CP चंद द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद खेलों के शौकीन थे। उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनके पुत्र MLC CP चंद एवं अरुण चंद बैडमिंटन प्रतियोगिता हर वर्ष कराते आ रहे हैं। इस वर्ष भी स्टेट स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजित श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद के पुत्र अरुण चंद ने कहा। और साथ ही साथ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ने भी, क्योंकि बैडमिंटन से इस विद्यालय का एक पुराना लगाव, अयान खान इसी विद्यालय के छात्र हैं, तो 50,000 की राशि हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के द्वारा भी आदित्य यादव को उस दिन दी जाएगी। भविष्य है, वो पुरानी कहावत अब नहीं है कि खेलोगे कूदोगे तो खराब आदित्य भी मैच खेलेंगे। हाँ, आदित्य इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर हमेशा बैडमिंटन की नर्सरी रहा, अंडर 13 शुरुआत होती है, वो प्रतियोगिता भी गोरखपुर करा रहा है, तो वो परंपरा आज भी राजीव भैया उत्तम प्रदेश बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव भी हैं, तो आपका लगातार प्रयास रहता है कि गोरखपुर में ही वो नर्सरी चल पाए और नए बच्चों को अवसर मिले। गोरखपुर बैडमिंटन संघ के द्वारा अंडर 13 जो शुरुआत होती है बच्चों की बैडमिंटन खेलने की, उनकी यूपी स्टेट प्रतियोगिता बैडमिंटन की 8 से 10 जून को आयोजित हो रही है। और यह आयोजित हो रही है उस व्यक्ति की स्मृति में, नाम पे, जिनका कि खेलों से तो लगाव था ही था, साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, और इस पूरे पूर्वांचल के विकास ही नहीं कहिए, पूरे प्रदेश की राजनीति में उनका अपना एक स्थान था। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, उनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं 8 से 10 जून को। अरुण चंद जी उनके छोटे पुत्र हमारे साथ हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे बैडमिंटन संघ के सचिव गोरखपुर के, वो मेरे साथ हैं, आयन खान जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में हैं। तो यह प्रतियोगिता पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे अंडर 13 के, और यह 11th अकेडमी जो धर्मपुर में है वहाँ पे 4 कोर्ट है, वहाँ पे ये आयोजित होगी। इसमें 1,00,000 रुपये राशि का नगद पुरस्कार जो फाइनल सेमीफाइनल विजेता होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और सभी जितने प्लेयर हमारे आ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था 3 दिन निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ एम्पायर और जो मैच कंट्रोलर हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने वो किया है। इस प्रतियोगिता का 8 तारीख को उद्घाटन शाम को 4 बजे माननीय संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा होगा, और समापन 10 जून को शाम को 5 बजे पुरस्कार वितरण जो हमारा होगा वो माननीय सीपी चंद साहब जो कि मार्कंडेय चंद साहब जी के बड़े पुत्र हैं और वर्तमान में स्थानीय निकाय के सदस्य विधान परिषद भी हैं, उनके द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एक और सूचना मैं आप लोगों को दूं कि अगस्त महीने में अंडर 15 और 17 स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापकों में रहे हैं उनकी स्मृति में हम लोग अंडर 15 17 1,00,000 पुरस्कार राशि की प्रतियोगिता भी गोरखपुर बैडमिंटन संघ आयोजित करेगा, और MG इंटर कॉलेज उसका स्पॉन्सर रहता है। और सितंबर में इंटर स्टेट ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें अन्य स्टेट भाग लेंगे, 6 स्टेट भाग लेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, उत्तरांचल, तो ये 6 स्टेट के बीच में 6 से 11 सितंबर के बीच में ईस्ट जोन होगा जो कि संभवतः 11th अकेडमी और हो सकता है कि हम लोग स्थानीय जो रीजनल स्टेडियम में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसका भी उपयोग करें। कितनी टीम भाग ले रही है? ये टीम नहीं, ये पूरे प्रदेश में बैडमिंटन संघ बना हुआ है, हर जिले से बच्चे आ रहे हैं इसमें जिनकी तादाद 200 के ऊपर हो। ये प्रेस वार्ता है वो अंडर 13 वर्ग के प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ हो रही है जिसको जो है जो बैडमिंटन संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से गोरखपुर बैडमिंटन संघ को उन्होंने ये प्रतियोगिता दी है, और इसका आयोजन जो है बैडमिंटन संघ गोरखपुर कर रहा है। उसमें मैंने अपने पिता के नाम पे अभी जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई थी जो अभी जून में, पीछे दिसंबर में हुई थी, और अभी ये प्रदेश स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन संघ कर रहा है, उसके हम जो है स्पॉन्सर हैं और कर रहे हैं, और उनके याद में कर रहे हैं अपने पिता स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के जो पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका
स्पोर्ट्स से लगा। इसमें पूरे प्रदेश से प्रत्येक जिलों से चार चार बच्चे और लगभग हमको लगता है कि 200 बच्चे कुल करेंगे। तीन दिन की प्रतियोगिता है, 8-9-10 इनाम है, 1,00,000 का इसमें इनाम नगद पुरस्कार रखा गया है। और उस नगद पुरस्कार के साथ अध्यक्ष जी ने बताया भी है, जैसे वो स्टेट में सेलेक्ट हो गए तो वो इंटर स्टेट खेलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतियोगिता गोरखपुर के लिए मान की बात है। और आज ये हालत है कि जो पिछली जिला स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें वो विजेता भी रही हैं, आदित्य यादव मूक बधिर हैं, और उन्होंने अभी पैरालंपिक जो गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता भी है, और वो प्रेरणा लोगों के लिए है, बच्चों के लिए प्रेरणा है, और बच्चे उनसे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ेंगे। और गोरखपुर के बच्चे तो उससे इंस्पायर होंगे ही होंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं की जिलेवार सूची तैयार, सीएम योगी के निर्देश पर जिलेवार माफिया गैंगस्टर सूचीबद्ध। मार्च 2022 से मई 2022 तक 788 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई। 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया व अन्य 359 माफियाओं को किया गया चिन्हित। माफियाओं पर निगरानी रखते हुए की जा रही है कड़ी कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। नौ मंत्रालयों की 13 योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए जन समर्थ पोर्टल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। कहा, जनता को जन समर्थ पोर्टल से मिलेगा लोन, बैंक का नहीं लगाना होगा चक्कर। प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से घरौनी सर्वे का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, जुलाई से कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थियों की ली जाएगी बायोमेट्रिक हाजिरी, 75% हाजिरी देने वाले छात्र को ही दी जाएगी छात्रवृत्ति। शासन के द्वारा चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कहा, 10 जून को एक वृहद गरीब कल्याण मेला का किया जाएगा आयोजन, प्रभारी मंत्री सहित अन्य लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की 8 साल की भाजपा सरकार है सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर चलेंगे सभी को साथ लेकर। कलेक्ट्रेट के 4 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के विदाई समारोह का उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के तत्वावधान में किया गया आयोजन। जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए चारों कर्मचारियों को अंग वस्त्र व माल्यार्पण कर दी विदाई। और 8 जून से 10 जून तक होगा मार्कंडे चंद स्मारक यूनिक्स सनराइज यूपी स्टेट प्राइज मनी अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता। पूरे प्रदेश से लगभग 200 बालक बालिका करेंगे शिरकत। गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मानकेश्वर नाथ पांडे एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडे चंद के पुत्र अरुण चंद ने दी जानकारी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।